हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं सेवन इंडियन रेलवे टेक यू डिड नॉट नो। देखिए कौन सी ऐसी रेलवे की टेक्नोलॉजी है या टेक है जो हमें नहीं पता। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। क्या बोला है, इंडिया की सबसे महंगी ट्रेन टिकट कितनी है? तो ट्रेन के पीछे एक्स बना होता है, उसका क्या राज है? जो पीछे बड़े बड़े मैग्नेट है, एक्चुअली मैग्नेट है भी कि नहीं? अब चेन खींचो ट्रेन की तो एकदम से पुलिस को कैसे पता चल जाता है? इंडिया में इतनी सारी ट्रेनें इतनी ज्यादा लेट क्यों चलती है? जो ट्रेन में बल्ब और फैन लगा रखे, क्या इनको चुरा के घर लेके जाया जा सकता है? ट्रेन के अंदर इस टाइप के छेद क्यों बने रहते हैं छत के ऊपर? इंडिया में ब्लू कलर की भाई बहुत सारी बड़ी बड़ी ट्रेनें आती थी, वो सारी ट्रेनें एकदम से गायब हो गई हैं। ऐसा क्या हुआ कि भाई सबको गायब करना पड़ेगा? और ये जो येलो येलो कलर की पट्टियां लगती हैं डब्बे के ऊपर, ये क्यों लगाई जाती हैं? ऐसी रिफ्लेक्शन होती है कि इसमें लाइट से? अलग-अलग छोटी बड़ी चीजें हैं जो हम सब ने कभी ना कभी देखी है जब ट्रेन में ट्रैवल करा है, बट हम सबको पता नहीं है भाई ये सब क्यों हो रहा है। ये सारी टेक्नोलॉजी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी पूरी ट्रेन के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। आज वाला काफी ज्यादा एक्साइटिंग है, एंड तक देखना। आप भी नेक्स्ट टाइम ट्रैवल करोगे अलग ही मजा आ जाएगा, और दोस्तों को भी अलग शो ऑफ करने की चीजें। Let's go। इंडिया का जो रेल नेटवर्क है वो दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट और काफी ज्यादा पुराना भी है। इंडियन रेलवे 1853 में बना था, 68,000 किलोमीटर सके फैला हुआ है, 22,500 से भी ऊपर ट्रेन्स रोज चलती हैं, 24 मिलियन लोग रोज ट्रैवल करते हैं ट्रेनों से, और उसके साथ साथ 203 मिलियन टन का सामान रोज इधर से उधर करा जाता है। ये हमारी कंट्री की एक बहुत बड़ी लाइफ लाइन है। ये ट्रेन के पीछे तो अलग अलग जो बड़े बड़े मैग्नेट लगाए जाते हैं, ये एक्चुअल में मैग्नेट है ही नहीं, इनको साइड बफर बोला जाता है। देखने में मैग्नेट जैसा लगता है कि भाई दोनों डब्बों को यही चिपका के आपस में एक दूसरे जोड़ के चिपकाने का काम ही नहीं करते, सस्पेंशन का काम करते हैं, जैसे हमारी बाइक के अंदर और गाड़ियों के अंदर सस्पेंशन होता है। और जोड़ने का जो एक्चुअल काम है, उसको कपलिंग होती है, बेसिकली दो हुक लगा लेते हैं बीच में, वो ये काम करती है। बट आपने देखा होगा ये सारा हटा दिया, अब है ही नहीं वो सिस्टम पूरा, अब बीच में एक सिंगल बफर रहता है। और ये चेंज इसलिए करा गया कि जो दो साइड बफर रहते थे उससे दिक्कत होती थी कि भाई जब ट्रेन जब भी एक्सीडेंट होता था या फिर पटरी से उतरती थी तो डब्बे एक के ऊपर एक चढ़ जाते थे, और एक्सीडेंट थोड़ा ज्यादा खतरनाक होने के चांसेस रहते थे। बट जब बीच में अगर लगता है तो इससे साइड बाय साइड डब्बे गिरते हैं, तो अगर डीरेल भी होता है तो एक्सीडेंट ज्यादा बड़ा नहीं रहता। हमने ऐसे बल्ब लगे देखे हैं, पंखे लगे देखे हैं, हम सबका मन करता है कि भाई निकाल के घर ले जाएंगे। पहले क्या करते थे लोग ना, उठा के ले भी जाते थे, पंखे उठा के ले गए, लाइट उठा के ले गए, मग्गा उठा के ले गए। मग्गे से तो आप धो लोगे बट लाइट आपका धोती है। जैसे एक तो लाइट आप निकालो उसमें रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि ये जो करंट होता है वो डीसी करंट चलता है। अगर आपके कोई तार चिपक गई तो आप एक लाइट के चक्कर में आपकी बत्ती गुल हो जाएगी, और घर पे पंखा लाइट आप ले भी जाओ वो चलेगा नहीं घर पे, क्योंकि वो डीसी पावर पे चलता है, और डीसी पावर जो कार की बैटरीज में यूज होती है, ट्रक की बैटरीज में यूज होती है, वो सिमिलर पावर होती है। और ट्रेन में भी आप बोलोगे यार ये ऊपर तारे तो लग रखे हैं, बट उन तारों से एक्चुअल लाइटें नहीं जलती। पूरी ट्रेन में पीछे एक जनरेटर कार जो होती है उसके अंदर सारा माल मसाला होता है, उससे एक्चुअल बिजली आपके सारे पहुंचाई जाती है। एक चीज और नोटिस करी होगी आपने कि भाई रात में फोन चार्ज करने से मना करा जाता है ट्रेन के अंदर। आपको लग रहा हो रात में ऐसा क्या हो रहा है? हमारी जितनी भी अप्लायंसेस हैं, जैसे मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इन सबको एसी करंट से चार्ज करने के लिए बनाया जाता है, बट जब इनको डीसी में लगा दिया जाता है जो रेलवे में आता है, इसमें होता है हीट भी थोड़ा ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, और हो सकता है खराब भी हो जाए, और हो सकता है फट भी जाए। तो इसीलिए रात में अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। थोड़े थोड़े टाइम के लिए डीसी से चार्ज करने में कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा लंबे टाइम तक अगर आप डीसी आजकल की ट्रेनों में तो नहीं लिखा, पुराने जमाने जगह आपका फोन ऐसी होता हमने तो नहीं देखा। लोग भी टाइम ऊपर की तरफ आपने देखा भाई स्पीकर के ना ऐसे छेद से बना रखे हैं भाई, गोल समझ नहीं आता लोगों को भाई, गाना तो इससे कोई व्यवस्था नहीं है, अनाउंसमेंट हो रही है, अनाउंसमेंट कहीं और से सुनाई दे रही है। ये स्पीकर जैसी चीज असल में एयर वेंट है, वेंटिलेटर है, जब वेंट हो जाते हैं चीजें एकदम बढ़ जाती है, ये रूफ तक वेंटिलेशन पहुंचाने के लिए काफी ज्यादा काम आता है। तो गर्म हवा जितनी भी होती है ऊपर जाती है, कभी भी आपने दूध उबाल के दूध फाड़ के देखो तो ऊपर चिपकता है मस्त, स्टीम ऊपर जाती है। बाहर कैसे निकलती है? बाहर की जगह ना छोटी छोटी छतरी बनाई जाती है डब्बों के ऊपर, ये ढाबा बाहर निकलती है। आप बोलोगे छतरी ही क्यों होती, ये खाली छेद करने से भी तो बाहर निकल सकती थी, छेद करने से दिक्कत ही आती है, तो ऊपर से बारिश भी अंदर आ सकती और बाहर से भेगी चीजें भी अंदर आ सकती है। ये जितनी भी ट्रेनें बनाई गई हैं इनको बहुत सोच समझ के इतने सारे पैसेंजर्स के लिए बनाया गया है, और ये सालों सालों तक चलती हैं तब भी ये खराब नहीं होती। एक्चुअल भाई थोड़ी टेक्नोलॉजी इन सब में यूज करी गई है, जो
समझो भाई, अभी तो स्टार्ट ही करी हमने। कभी आपने सोचा है कि जो चेन होती है हर डब्बे के अंदर, इस चेन को खींच के भाग जाए तो क्या होगा, किसको क्या ही पता चलने वाला है, और ये चेन बनाई भी क्यों है? मैं भी तो बोलती हूं इमरजेंसी है भाई, आपके मार के भाग लो, ये इमरजेंसी नहीं है। या फिर आपके घर वाले पीछे रहे, वो भी नहीं, बट मैं तो इस बारे में पूछा था, कोई भी गिरने का चांस है या फिर कुछ भी मिस हैपनिंग होने से बच जाए या फिर हो गई है, तो उसके लिए चेन बनाई गई है। पर काफी सारे लोगों को लगता है इसको खींच के भाग जाएंगे तो पता नहीं चले, जैसे ये चेन खींचती है अंदर से आपको बिल्कुल ना पता चले भाई कौन से डब्बे में किस बंदे ने चेन खींची, और डब्बे के बाहर एक वाल्व लगा होता है, जैसे ही चेन खींचती है वो वाल्व नीचे हो जाता है और बहुत जोर से गैस निकलने की आवाज आती है, और जो ट्रेन का ड्राइवर होता है वो काफी तेजी से हॉर्न बजाने लगते हैं, पता कैसे चलता है, ताकि पुलिस वुलिस आसपास के सारे लोगों को पता चल जाए कि भाई चेन खींची गई है, उनको भाई देखना है, चेक करना है कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, और जैसे ही उनको पता चलेगा स्टेशन यहाँ पे रुकने नहीं वाली थी ट्रेन, वहाँ पे चल के जाना पड़ता खींची, वहाँ पे भी पकड़े जाने के बहुत, कैसे आवाज आपको सुनाता हूँ, ये तो ट्रेन की आवाज है, ऐसी तो होती थी, सबको कंफ्यूजन है कि ट्रेन के पहियों की आवाज है या फिर भाई डब्बे हिल रहे हैं या फिर रेलवे ट्रैक में कोई पत्थर फंसा जाता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं ब्रेकेजेस होता क्या है कि ट्रेन की पट्टियां ना लंबी होती है, ब्रेकेज जॉइंट होता है ना जॉइंट की, तो जब ट्रेन काफी भारी होती है एक से टायर होके दूसरे पे जाता है तो एक थोड़ा नीचे एक थोड़ा सा ऊपर, यही है भाई जो बीच में हुक से कनेक्टेड होते हैं हुक निकल जाते हैं और कुछ कुछ डब्बे पीछे रह जाते हैं, कभी दो डब्बे कभी तीन डब्बे, लगता है छोटी लग रही है तो काफी टाइम ऐसा हुआ कि पता ही नहीं चल रहा सारे कम्प्लीट हो गए, तो एक सिंपल सा काम करा पीछे वाले डब्बे पे एक्स लगा दिया, लास्ट है ये रीजन है। अब बोलो इतना बड़ा क्यों लगा, इतना बड़ा इसलिए लगा ताकि ट्रेन दूर तक भी जा रही है, ट्रेन आगे हो चाहे पीछे हो भाई अच्छे से पता चल जाए, कोई यहाँ टावर से देख रहा हो, कोई हवाई जहाज से देख रहा हो, सबको बताओ लास्ट डब्बा हो गया भाई ट्रेन। अपनी जितनी भी ट्रेन देखी उसके ऊपर लगा रखा होता है ब्लैक कलर, इसको बोलते हैं पेंटोग्राफ, और ये जितनी भी वायर्स होती है वो इससे कनेक्टेड होते हैं और इसी से इंजन में भाई इलेक्ट्रिसिटी जाती है और इसी इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन चल पाती है। बट क्या आपने कभी सोचा ये घिस क्यों नहीं रहा, ये पूरे दिन घिसती रहती है तारे बट कुछ खराब नहीं हो रहा, तारे एकदम काली काली दिख रही है ऊपर, इसका एक बहुत सीक्रेट रीजन है, ये जो स्ट्रिप होती है ना ये बनाई जाती है कार्बन से, राख जैसे ही ब्लैक कलर का कार्बन रहता है और वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, तो जब वो तार से टच होता है तो तार पे हल्का हल्का ब्लैक ब्लैक लगा जाता है, इसीलिए ये भैया भी ब्लैक कलर के होते हैं, तारे भी ब्लैक हो जाती है। यात्री गण कृपया ध्यान, दिल्ली से चल के झुमरी तलैया जाने वाली ट्रेन 6 मिनट, झुमरी तलैया कोई जगह है ये खुद बोल रहे हैं, वेट करिए मतलब ऐसी कुछ होता है, मेरे को भी एग्जैक्टली याद नहीं है, बट सिंपल अगर मैं बताऊं यार ट्रेनें इतनी ज्यादा लेट क्यों हो रही है भाई, ये 12 घंटे 24 घंटे ट्रेन लेट, हमारी तो नहीं हुई थी कोई ट्रेन लेट हुई थी, इसका ना एक रीजन है, बहुत सारे रीजन है। सबसे पहली चीज, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी पुराना है, काफी टाइम से चला रहा है, उसको बहुत ज्यादा बढ़ाया नहीं गया क्योंकि उसको बढ़ाने के लिए जगह चाहिए, पर आसपास ट्रैक के कहीं गांव है कहीं कुछ और जगह है कहीं कंस्ट्रक्शन करना काफी ज्यादा मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि बस आप एक जगह पटरी लगा दो और दूसरी जगह रहने दो, पूरे रास्ते आपको पटरी लगानी पड़ती है तब जाके एक्चुअल ट्रैफिक कम होता है, और उसको मेंटेन करना उसको फिक्स करना बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट भी है, तो बड़ा मेहनत में हर जगह वेदर इतने सारे लोग जाते, मुंबई का वेदर कम ही अलग है, एंड कभी कभार बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाती है, कोहरा होने लगता है, कभी कभार बहुत तेज बारिश होने लगती है, यहाँ पे रिस्की हो जाता है, फ्लाइट में गए आप बादलों के ऊपर उठ रहे हो तो बारिश बरसात कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, जब ट्रेन चलती है ट्रेन को भाई एक्चुअल लैंड के थ्रू होते हुए जाना है, जो रेलवे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी बड़ा है बट लोग और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं तो ये भी हमको छोटा पड़ रहा है, तो इसीलिए भाई नई नई ट्रेनें लाई जा रही हैं एंड बहुत एडवांस ट्रेनें इंडिया में चलाई जाएंगी, बुलेट ट्रेन हो रॉकेट ट्रेन हो भाई बहुत ज्यादा तेज चीजें चलने वाली है भाई, इसी तो एक्साइटमेंट है, मैं लाल ट्रेनों में भी बैठा हूँ फिर उसके बाद नीली ट्रेनों में भी बैठा हूँ, लाल नीली होते हैं नीली वाली ट्रेन अलग अलग वो होती है ना शताब्दी, नीली गायब कैसे हो गई, दिखाती थी दौड़ाती थी इधर से उधर लेके जाती थी बड़ा नहीं है, तो नहीं है रेड और ग्रे वाले डब्बे आ गए हैं, जो पुराने वाले ब्लू कलर के डब्बे थे वो इतने ज्यादा सेफ नहीं थे, आपने नोटिस करो पटरियों पर वो ज्यादा हिलते भी थे, थोड़े से शॉकर्स भी उनके इतने तगड़े नहीं होते थे, तो इसीलिए 2018 में प्रोजेक्ट उत्कृष्ट इसके अंदर ये सारे डब्बे रिपेयर करेगा या फिर हटाए गए, काफी सारे जो रिपेयर करेगा उनको लाल ग्रीन पेंट कर दिया गया एंड अब वो दिखने में कुछ ऐसे दिखते हैं किसी को पता नहीं चलता, मैं पर्सनली बताऊं मुझे ब्लू वाला कलर ज्यादा पसंद आता था क्योंकि ब्लू वाले कलर की अलग सी वाइब होती थी, अब पिंक वाला बेटर कलर है, थोड़े से गंदे हो जाते हैं अलग से दिखने लगते हैं, या फिर ऑरेंज पेंट हो जाए तो मजा ही आ जाए, मजेदार बातें बता रहे हैं,
भैया मुझे तो अभी तक नहीं पता चला चेन खींचने के बाद उन्हें कैसे पता चलता है किस बंदे ने चेन खींची। बंदे ने, they only know कि किस बोगी में, तो मैं किसी और बोगी में जाके वहां पे चेन खींच कर आ जाती हूँ। मैंने तो इस बार भी ट्रेन में बोल रही थी इनको बच्चों को कि यार चेन खींच के दिखाओ कैसे ट्रेन रुकती है, तो एक ऋषि तो जाके करने भी वाला था, मैंने कहा नहीं तो मजाक कर रही अभी पुलिस वाले आ जाएंगे। पर मन तो बड़ा करता है कि बड़े देखने का, बचपन से मन करता है कि देखे तो सिर्फ रुकती है फिर ट्रेन, अभी तक नहीं पता चला नहीं, कुछ नहीं ब्रेकें लगती हैं सी करके रुक जाती हाँ, है हमेशा से बचपन से। एक बार हम बैठे हैं ट्रेनों में जिनमें चेन को खींच देता है उसके धीरे रुक जाती है, हमारे साथ तो मेरे साथ तो कभी भी नहीं हुआ। मेरे को है कि मेरे को एक बार देखना है ट्रेन खींचने चेन खींचने से ट्रेन का कैसे रुकती है फिर क्या होता है। नहीं कई बार जैसे बीच में किसी बंजर जगह में चेन किसी ने खींची थी तो पड़े रहती है, पड़े ट्रेन रुकी रहती है बहुत टाइम हाँ, लगता है उनको तो, रीसेट करने के लिए आएंगे चेक करेंगे। क्यों मैंने जब हमारी वाली वो जो जब गए थे हम लोग याद है जब हमारी ट्रेन कितनी वो खट 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 कर रही थी, तब मैंने कई बार ऋषि और इनको बोल रही थी कि भैया ट्रेन के चेन खींच दो कहीं एक्सीडेंट वैक्सीडेंट हो गया यहाँ पर तो बुरा, इससे अच्छा कि ट्रेन ही रोक दो कि भैया इसमें कुछ प्रॉब्लम है, पर रहनी वे पहुंच गए थे हम ठीक तरह, पर उस सिचुएशन में ट्रेन की चेन खींच देनी चाहिए थी हमें। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।